हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 पढ़ाए थे। प्रश्नावली 1.1 में आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या वह होती है जो एक से शुरू होती है, 1, 2, 3 और अनंत तक जाते रहती हैं, वह प्राकृत संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आपको बताया था हमने पूर्ण प्राकृत संख्या कौन सी हुई? पूर्ण संख्या बताए थे हमने आपको, शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद आपको हमने पूर्णांक संख्या बताए थे। पूर्णांक संख्या वह होती है जिसमें धनात्मक मान, शून्य और ऋणात्मक मान शामिल होते हैं। इसके बाद आपको परिमेय संख्या बताए थे। परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में बताया जा सकता है, जहां पे पी और क्यू पूर्णांक होंगे और क्यू का मान शून्य नहीं होगा। अब आगे हम अभी तक हमने इन संख्याओं का अध्ययन किए थे, अब हमारे पास आ रही अगली अपरिमेय संख्या जिसे एस के द्वारा दर्शाते हैं। संख्या एस या संख्या एस को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या एस को अपरिमेय संख्या कहा जाता है और इसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसे पी बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सकता हो। पढ़िए इसे, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर शून्य नहीं है। तो अपरिमेय संख्या वह होती है जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या के मैंने कुछ उदाहरण बताया, जैसे करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी 7, करणी 15 ऐसी संख्या है जिनके हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसमें पाई भी सम्मिलित है, पाई और 0.01101011111, यानी कि इसकी निश्चित आवृत्ति नहीं है। यहाँ पे पहले 10 आया, फिर 11 के साथ 0 आया, फिर 11 के साथ फिर 0 आया, इस प्रकार ये बढ़ते चलते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्या में करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी 7, करणी 15, पाई 0.10111, जो यानी कि एक निश्चित क्रम में नहीं होती, जो बार बार नहीं आती, जिनका कोई बार निश्चित वो नहीं रहता कि वो कितने बार आ रही है, ये अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या आपकी, जैसे आपको किसी ने कहा कि क्या अपरिमेय संख्या 9 है क्या? नहीं, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, जबकि 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इसी में हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 9, तो 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। 11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको मैंने अपरिमेय संख्या के बारे में बताया। फिर अगली आती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। वास्तविक संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि वास्तविक संख्या वह होती है जिसमें परिमेय संख्या भी सम्मिलित होती है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी सम्मिलित होती हैं, अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित होती हैं और शून्य भी सम्मिलित रहता है। इस प्रकार से आपको वास्तविक संख्या 2, 3, 5, 0, करणी 2, ये क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आपको खालिस्तान सही जोड़ी विकल्प में पूछ सकता है कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं का समूह वास्तविक संख्या होता है, तो वास्तविक संख्या क्या कर देगा, वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे देगा। इस प्रकार से पूछेगा सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का समूह को खालिस्तान कहते हैं,
तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। आपसे ये भी पूछ सकता है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है वह अपरिमेय संख्या है, सत्य असत्य पूछ सकता है, या ऐसा पूछ सकता है कि जो जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, सत्य असत्य। तो आपको इन परिभाषाओं के आधार पे इन्हें बता सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं बताया। अब देखिए बच्चों, आपको हम वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे। दशमलव प्रसार जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, शान दशमलव, आसान आवृत्ति और आसान अनावृत्ति। इस प्रकार से आपको इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है आपको पहले ही बता दी हमने, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। तो दशमलव प्रसार का वास्तविक संख्या वह होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सम्मिलित होती है। अब इसका हम दशमलव प्रसार कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार तीन प्रकार से होता है, शान दशमलव, आसान दशमलव और आसान अनावृत्ति दशमलव। अब इनका अध्ययन करेंगे हम आगे। शान दशमलव के उदाहरण क्या होते हैं, शान दशमलव किसे कहते हैं, आसान दशमलव किसे कहते हैं, आसान अनावृत्ति दशमलव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे हमने एक बटे दो लिखे हैं, यानी कि दो का भाग एक में देखिए, दो का भाग एक में देना है हमें, तो दो का भाग एक में देंगे। अब दो का भाग एक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे शून्य लेंगे और शून्य के यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब दो का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि दस से न पड़े, दो पंचे दस। अब इसको घटा दीजिए, क्या आ गया यहाँ पे, शून्य आया। आप देखिए ये क्या कहलाता है, शेषफल। शेषफल आपका क्या आया, शून्य। यदि आपका शेषफल शून्य आता है, शेषफल क्या आता है, शून्य आता है, तो वह शांत दशमलव कहलाता है। यदि आपने जो भी संख्या का शेषफल शून्य आता है वह कौन सा दशमलव कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। अब उसका अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं, तो उससे पहले हम कोई उदाहरण समझना है। अब जैसे हमने एक में तीन का भाग दे रहे हैं, दशमलव लगा, यहां शून्य लगाए तो यहां क्या लग गया, दशमलव लग गया। तीन का पहाड़ा ऐसा पढ़ी कि दस से न बढ़े, कितने बार जाएगा, तीन बार जाएगा, तीन तिया नौ, घटा दीजिए कितना आ गया, एक, फिर शून्य लगा दीजिए, फिर भाग दीजिए कितना का, नौ, तीन बार, फिर घटाइए एक, फिर दीजिए आप भाग दीजिए, तीन बार ही जाएगा शेषफल। इसमें क्या बच रहा है, एक, और ये बार बार वही संख्या पुनरावृत्ति होते जा रही है, बार बार आ रही है, और शेषफल क्या यहाँ पर शून्य बचा, क्या नहीं बचा, शेषफल क्या है, एक है। जब इसका शेषफल एक बच रहा है तो शांत दशमलव तो हो नहीं सकता और ना पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही बार बार यहाँ पे, तो ये कौन सा दशमलव होगा, आसान आवृत्ति दशमलव होगा, क्योंकि इसमें आवृत्ति हो रही, किसकी आवृत्ति हो रही है, तीन तीन की आवृत्ति हो रही है, कभी कभी दो दो संख्याओं की आवृत्ति होती है, ऐसी तीन तीन संख्याओं की आवृत्ति, यानी कि जिनकी आवृत्ति बार बार हो रही है वह आसान आवृत्ति दशमलव कहलाता है। उसका उदाहरण आपको एक ये दे दिए थे, उदाहरण हमने किसका दिए, शांत का, और ये उदाहरण किसका हो गया था, अशांत का। ये शांत और अशांत दशमलव जो होते हैं वह परिमेय संख्या के होते हैं, यानी कि शांत और अशांत दशमलव किसके होते हैं, परिमेय संख्याओं के होते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने शांत दशमलव अशांत दशमलव बताया। अब आता है एक और, अशांत अनावृत्ति दशमलव। इसका उदाहरण के द्वारा ही मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ा देते हैं।
ये अपरिमेय संख्या होती है, इसके जितने भी अशांत आवृत्ति के तहत कौन सी परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्याएं आती हैं, जैसे कर्णिदो, कर्णिदो का मान देखिए क्या आया, 1.41421356, ऐसी कौन सी संख्या आ रही है, इनका कोई निश्चित नहीं है, ना इनकी आवृत्ति नहीं हो रही, जैसे यहाँ चार आया फिर एक आ गया, फिर यहाँ चार आया फिर दो आ गया, फिर एक आ गया, तीन आ गया, पांच आ गया, छह आ गया, दो आ सकता है, तीन, सात, इस प्रकार से इनके कोई निश्चित क्रम से नहीं आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये आसान अनावृत्ति कहा गया। और पाई का मान भी 3.14159215192 ऐसा कोई निश्चित नहीं है, इनका क्रम अनंत तक एक निश्चित क्रम में नहीं चल रही है, इसलिए इन्हें अनावृत्ति कहा गया, आसान अनावृत्ति कहा गया। आप इनको जो आपके शब्द लिखे हैं उनसे ही समझ सकते हैं, शांत यानी कि वहीं पे समाप्त हो गई है, शांत यानी समाप्त हो गई, आसान यानी कि चलते जाना है, जैसे हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति शांत हो गया तो यानी कि उसके वहां पे जीवन लीला समाप्त हो गई है, और अशांत यानी कि वह आगे बढ़ते ही जा रहा है, और आसान अनावृत्ति जिसका कोई निश्चित ही नहीं है, कहीं पे भी किधर भी चल जाता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने वास्तविक संख्या एवं उसके दशमलव प्रसार पढ़ाया। अब आने वाले वीडियो में आपको आने वाली प्रश्नावली जो है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 1.3 प्रश्नावली बताऊंगा, 1.3 प्रश्नावली बताने के बाद आप कहेंगे कि 1.2 क्यों छोड़े, तो मैं उसे भी बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1.3 प्रश्नावली बताऊंगा जिसका संबंध शांत दशमलव, अशांत दशमलव और परिमेय संख्याओं से है। जब दशमलव की संख्याओं को परिमेय संख्या बदलने को आएगा तो इस प्रकार से बेटा मैं आपको आने वाले वीडियो में जो अगली प्रश्नावली उसके प्रश्नों को हल कराऊंगा। ठीक है बेटा।